तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एआरपी एंड एआरपी पैकेट फॉर्मेट्स देखे थे, उसके चार केसेस देखे थे। चार केसेस के बाद में हमने उसके एनकैप्सुलेशन देखा था। एनकैप्सुलेशन देखने के बाद में अब एआरपी के कंपोनेंट्स देखेंगे जो डेटा लिंक लेयर में रिएक्ट। तो डेटा लिंक लेयर से क्या क्या कंपोनेंट्स है एआरपी के, बहुत जरूरी कंपोनेंट्स है। ये एआरपी का मेन डायग्राम है। अगर आपके पास एआरपी आरएआरपी की बात करते हैं तो ये डायग्राम आपको बहुत बनाना जरूरी है और उसको समझाना जरूरी है। मोर देन इनफ है एआरपी आरएआरपी में, ठीक है। तो ये आईपी पैकेट्स के तो टर्म में होते हैं। अच्छा, डेटा लिंक लेयर किस टर्म में वर्क करता है? फ्रेम्स फ्रेम्स, वेरी गुड। तो डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स में वर्क करता है। अब एआरपी में जो डेटा आता है इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स आता है, क्योंकि वो आईपी लेयर से अटैच होता है, जो हम इसके बाद वाली स्लाइड्स में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब एआरपी क्या करता है, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल पे बेस्ड होता है। दो मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। जब भी हमें डेटा ट्रांसफर करना है आईपी पैकेट से, हमारे पास कोई पैकेट आता है तो वो हमारे आउटपुट मॉड्यूल के अंदर एज अ इनपुट आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें क्या आउटपुट चाहिए इसलिए उसका इनपुट आ रहा है। जैसे जब मैं कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं आपके एंड पे, तो मेरे लिए जो इनपुट है, मेरा जो आउटपुट है वो एआरपी का इनपुट रहेगा। मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मैं किस नेटवर्क के थ्रू भेजूंगा, बट मेरे पास जब भी उसका रिप्लाई आएगा, मेरे पास जब भी उसका रिप्लाई आएगा या आप लोग कुछ मुझे बोलोगे, तो वो मुझे मैसेज मेरे पास आएगा तो वो इनपुट के मैट टर्म में वापिस आएगा। यहां से इनपुट के किस पैकेट के टर्म्स में रिक्वेस्ट वापिस आएगा? इन अ फॉर्म ऑफ एआरपी पैकेट्स, इन अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। तो मेरा जो पैकेट एआरपी के पास आएगा वो इनपुट मॉड्यूल के अंदर यहां से आएगा, मेरे को पता करने के लिए ये उस नेटवर्क में है या नहीं। अब हमारे पास जो इनपुट मॉड्यूल आया है, इनपुट मॉड्यूल करता क्या है, एआरपी की वर्किंग क्या थी? फाइंड दी, क्या फाइंड करता है एआरपी? एड्रेस कौन सा एड्रेस तो है, एड्रेस के हेल्प से एड्रेस फाइंड करता है। तो कौन से एड्रेस के हेल्प से कौन सा एड्रेस फाइंड करता फिजिकल एड्रेस फाइंड करता है, है? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल और आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, है ना, फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आया है दैट इज रिक्वेस्ट, और जब उसको मिल जाएगा वैल्यू तो उसका रिप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आईपी पैकेट है, ये जो ये देखिए आप एक ये डायग्राम देख रहे होंगे, आईपी पैकेट लिखा हुआ। जो आईपी पैकेट हमारा है एज इट इज फॉरवर्ड होता है हेडर लग के आगे की तरह से। तो इसमें क्या करा है, उसने हार्डवेयर एड्रेस मॉड करके उसने भेज दिया। उसने कुछ नहीं किया, उसका फिजिकल एड्रेस को उसके हार्डवेयर एड्रेस से बाइंड किया और भेज दिया। उसके फिजिकल एड्रेस को उसके हार्डवेयर एड्रेस से बाइंड किया और भेज दिया। तीसरी बार फिर बोलूंगा, उसके फिजिकल एड्रेस को उसके हार्डवेयर उसके फिजिकल एड्रेस को उसके स्टैटिक आईपी एड्रेस से, आईपी एड्रेस से बाइंड किया और भेज दिया, ठीक है। तो ये बाइंडिंग की प्रोसेस जो होती है ये कंप्लीटली इन अ फॉर्म ऑफ होती है, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज होती है। हमारे पास एक कैश टेबल्स होती है, ठीक है। हमारे पास कैश कंट्रोल मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल होता है, ठीक है। हमारे पास इनपुट मॉड्यूल होता है, ठीक है। एंड क्यूज होती है, ठीक है। तो हम किस चीज पे इतने मॉड्यूल्स से वर्क कराते हैं? हमारे पास आईपी पैकेट को हम इतने मॉड्यूल से पास कराएंगे, तब जाके हम एआरपी का आउटपुट या इनपुट दे पाएंगे, एआरपी का आउटपुट या इनपुट दे पाएंगे। आईपी पैकेट ने आउटपुट मॉड्यूल में क्या क्या स्टेप्स करिए? आईपी पैकेट ने आउटपुट मॉड्यूल के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करिए विद द हेल्प ऑफ क्यूज, विद द हेल्प ऑफ कैश टेबल्स, विद द हेल्प ऑफ कैश कंट्रोल मॉड्यूल्स। कैश टेबल करता क्या है? हमारे एआरपी एक टेबल मेंटेन करता है आईपी एड्रेस अलोंग विद देयर हार्डवेयर एड्रेस। जैसे एसआईआरटी एक टेबल मॉड्यूल कर रखा हुआ है, डिपार्टमेंट ने एक टेबल मॉड्यूल करके रखा है स्टूडेंट नेम विद देयर रोल नंबर, उसी तरीके से एआरपी कैश टेबल में नो रोल नंबर विद देयर स्टूडेंट नेम या आईपी एड्रेस विद देयर फिजिकल नेम, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं,
जैसे एग्जांपल मैं रोल नंबर 5 को अगर कोई मैसेज देना चाहता हूं, अगर वो नहीं है तो मैं किसको मैसेज दूं तो रोल नंबर 5 तक पहुंच जाए? उसके फ्रेंड सर्कल को। उसके बाद भी नहीं पहुंच सकता तो मैं किसको मैसेज दूंगा? वो मेरे नेटवर्क से बाहर है तो मैं किसको मैसेज दूंगा? सीआर को। सीआर को तो मालूम होगा उसके अंदर की चीजें, क्योंकि अगर जब मैं एक लेवल में अपने डिपार्टमेंट के अंदर बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई मैसेज आना चाहिए बाहर से तो वो किसके तो किसके तरफ से आता है? डायरेक्टर सर की तरफ से। वो किसको इन्फॉर्म करेंगे ये मैसेज सर्कुलेट करो हमारे डिपार्टमेंट में? एचओडी सर को। यस वेरी गुड, हमारे एचओडी सर को सर्कुलेट करेंगे। हमारे एचओडी सर पर्टिकुलर बच्चे के लिए कोई मैसेज हो, पर्टिकुलर बच्चे के लिए कोई मैसेज हो तो उनकी कैश टेबल में रहेगा क्या? अच्छा ये बच्चा फिफ्थ सेमिस्टर का है, ओके इसका टीजी कौन है? ये कम्युनिकेट टीजी को, टीजी ने कम्युनिकेट कर दिया। उसी तरीके से कैश टेबल के अंदर उसका पाथ भी होता है, कैश टेबल के अंदर उसका पाथ भी होता है, उस पाथ तक पहुंचने के डिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें मेंटेन होती है जो हमारे नेटवर्क को एडवांस बनाने का भी काम करती है और साथ साथ में उसको आईपी एड्रेस से उससे बाइंड करती है। एआरपी आरएआरपी की जरूरत क्यों पड़ी थी बाइंडिंग करने के लिए? क्योंकि हमारे पास आज का टर्म्स चेंज हो चुकी है, बट हमारे जो प्रीवियस टर्म्स थी उसके टर्म में हम आपको बताएंगे। उसके टर्म में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एक वर्ड था डीएससीपी। व्हाट डू यू मीन बाय डीएससीपी? फुल फॉर्म लिखवाया बेटा? डीएससीपी का फुल फॉर्म लिखवाया है सभी को? सर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएससीपी करता क्या है किसी को मालूम है या मैं बताऊं? सर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। यस, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का मेन पर्पस है कि वो आईपी एड्रेस आप लोगों को देने का काम करता है। आईपी एड्रेस किस टर्म में देने का काम करता है? इन अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? स्टैटिक मतलब जो होगा वो फिक्स होगा, डायनेमिक मतलब तो चेंज होते रहेगा। और कुछ? सर स्टैटिक मींस वो एक परमानेंट आईपी एड्रेस दे देगा, डायनेमिक में सर नेटवर्क के हिसाब से चेंज होगा। नहीं, आप लोगों ने जो वर्ड के हिसाब से बोला बिल्कुल सही बोला। अगर मैं बात करूं इसमें एक टर्म और जोड़ता हूं, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी, व्हाट इज इट मीन? सर डायनेमिक जो चेंज होता रहता है, स्टैटिक जो रहता है फिक्स्ड रहता है। ठीक है, एक तरह से इसको अगर मैं कन्वर्ट करके बोलना चाहूं कि एक सिस्टम को, उस सिस्टम को मैं एक परमानेंट आईपी मैनुअली एंटर कर दूं, दैट इज नोन एज स्टैटिक आईपी। ठीक है, और डायनेमिक आईपी मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे नेटवर्क में आए और वो आईपी असाइन हो जाए,